नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। डालते हैं दिन भर की ताजा तरीन खबरों पर एक नजर। आवर कस्बे में हर साल की तरह इस वर्ष भी भाई दूज के अवसर पर ग्राम रक्षक घास भीरू जी महाराज की शाही सवारी निकाली गई। घास भीरू की सवारी लालबाई माता चौक से होल नगाड़ों के साथ शुरू हुई। सवारी को 5 ट्रैक्टर द्वारा खींचा गया। सवारी को पूरे गांव के चारों ओर घुमाया गया। मान्यता है कि दीपावली के बाद भाई दूज पर यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा करने से गांव में प्राकृतिक आपदा और बीमारियों से सुरक्षा होती है। सवारी के दौरान श्रद्धालुओं ने घास भेरू महाराज को मदिरा का भोग लगाया। भवानी मंडी के दीपावली के पावन त्यौहार पर सभी धार्मिक मंदिरों में अन्नकूट भोग का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 56 भोग से झांकी बनाई गई। प्रसादी को मंदिरों में चढ़ाया गया, उसके बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसादी बांटी गई। राधेश्याम मंदिर, गणेश मंदिर इत्यादि मंदिरों में 56 भोग कार्यक्रम कई वर्षों से संचालित है। ऐसे में राधेश्याम मंदिर समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष कृष्ण कुमार राठी ने बताया कि कई वर्षों से राधेश्याम मंदिर में दिवाली के पावन अवसर पर 56 भोग कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं व भगवान कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं। कार्यक्रम में महिलाओं की ज़्यादा संख्या देखने को नजर आई और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगती दिखी। भवानी मंडी में दीपावली के पावन त्यौहार पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी घास भीरू की प्रतिमा को बेलों द्वारा रैली निकाल कर शहर में घुमाया गया। इस दौरान भेरू महाराज पर मदिरा चढ़ाकर उन्हें शहर के अंदर घुमाया गया। भवानी मंडी में कई वर्षों से ये परंपरा स्थापित है, जिसके चलते भवानी मंडी के भेरू चौराहा अंबे माता चौराहा से घास भेरू की सवारी शुरू हुई और कई श्रद्धालु इस सवारी में शरीक हुए और शहर के अंदर जगह जगह मदिरा पान चढ़ाकर घास भेरू जी की पूजा अर्चना की। ये जानकारी सोहन सलंकी ने हमें दी है। भवानी मंडी पचपाड़ के श्री लक्ष्मीकांत मंदिर पर शुक्रवार को अन्नकूट उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीकांत एवं भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी जी को 56 भोग लगाया गया। इससे पूर्व महिला मंडल ने कई मंदमुक्त कर देने वाले भजनों की प्रस्तुति दी। श्रीमती चंदा व्यास के सानिध्य में और मनु महाराज के स्वर्गवास के पश्चात उनकी पहली दीपावली का त्यौहार होने के बावजूद परिजनों ने गोवर्धन पूजा के लिए अन्नकूट उत्सव मनाकर परंपरा को निरंतर जारी रखा। इस दौरान मनु महाराज के सबसे छोटे भाई जगदीश नागर ने पूजा एवं महाआरती की एवं उपस्थित सभी श्रद्धालु एवं भक्तों को अन्नकूट की महाप्रसादी वितरण की गई। इस दौरान मनु महाराज की धर्मपत्नी श्रीमती मधुकांता नागर सहित लगभग सभी परिजन एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। भवानी मंडी राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स के सामने स्थित ऑटो पार्ट्स की दुकान से गत रात्रि चोर 45,000 रुपये से अधिक के उपकरण व वस्तुएं चुरा ले गए। दुकानदार को शनिवार इसकी जानकारी होने पर उसने भवानी मंडी थाने में मामला दर्ज कराया है। पचपाल निवासी शाकिर और सद्दाम पुत्र सलीम बेग ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि RTM के सामने उसकी ऑटो पार्ट्स की दुकान स्थित है, जिसमें वह वाहन में उपयोग होने वाले पार्ट्स का विक्रय करता है। शनिवार दोपहर 2 बजे दुकान पहुंचने पर उसको दुकान के पीछे का दरवाजा टूटा हुआ व सामान बिखरे हुए अवस्था में मिला। वहीं दुकान में से 5 पेटी ऑयल, जिसमें 900 ml के 100 पाउच, एक कंप्रेशर मोटर, क्लैन वायर, एयर क्लीनर सहित कुल 45,000 रुपये के उपकरण व वस्तुएं गायब मिली। फरियादी ने क्षेत्र के CCTV कैमरे खंगाल कर जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चौमेला में सब्जी मंडी रोड पर पीपल का पेड़ फट कर गिरा। रोड पर एक बालिका सहित युवक हुआ घायल, एक मोटरसाइकिल हुई क्षतिग्रस्त। मोटरसाइकिल सवार युवक व बालिका रोड से गुजर रहे थे कि अचानक पेड़ फट गया, जिसके नीचे मोटरसाइकिल दब गई। बड़ा हादसा टला। घटना के बाद समाचार लिखे जाने तक प्रशासन नहीं पहुंचा। मौके पर बिजली विभाग सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचा। नागरिकों ने ही किया रास्ते को साफ। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा हनी ट्रैप की आरोपी महिला गुड्डी बाई को पकड़ने गई थी। पुलिस ग्रामीणों ने जोर जबरदस्ती कर महिला को छुड़ाया। कामखेड़ा SHO व पुलिस टीम ने की अभद्रता। कामखेड़ा थाना क्षेत्र की खेड़ी मेवालिया की ये घटना है। उनेल कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में 5 दिवसीय दीपोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। दीपोत्सव पर लोगों ने अपने अपने घरों में विद्युत लाइट, रंग बिरंगी फूलों से सजावट की गई। घरों में दीप जलाए गए। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा की गई व शुक्रवार को गोवर्धन पूजा कर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। शनिवार को भाई दूज का त्यौहार भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर लंबी उम्र की कामना की। इसके साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव का त्यौहार संपन्न हुआ। मंदसौर पुलिस ने दीपावली की रात को
दलोदा थाना क्षेत्र में एक दुकानदार पर हुई 3 लाख की चोरी में बड़ा खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने दुकान पर काम करने वाले नौकर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने सावधान इंडिया सीरियल से प्रेरित होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल दीपावली की रात में दलोदा थाना क्षेत्र में एक दुकानदार पर चोरी की बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें तिजोरी का ताला नहीं टूटने पर चोर तिजोरी उठा के ले गए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो शक नौकर पर गहराया, जिसके चलते उसे राउंड अप कर पूछताछ की गई, जिसमें नौकर ने उसके अन्य 2 साथियों के साथ चोरी करने की वारदात को कबूल किया है। मंदसौर SDOP सौरभ कुमार की माने तो आरोपी नौकर सावधान इंडिया सीरियल से प्रभावित था। रिपोर्ट जो है इसकी की गई और हम लोगों ने इसको चुनौती के रूप में लिया और सभी टीम पूरी दरोदा की पुलिस टीम ने पूरी मंदसौर टीम में यानी SP साहब और SO साहब के नेतृत्व निर्देशन में हम लोगों ने मेहनत किया। हम लोगों ने जो है संदेहियों को सबसे अधिक जो है पूछताछ की और एक प्रकार से पूछताछ करने में पाया कि उनका जो है दुकानदार के जो नौकर थे वही नौकर ने जो है इस घटना को साधारण तरीके से अंजाम दिया और इसमें अपने 2 साथियों के साथ कुल 3 आरोपी हैं, तिनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। तो जिस तरह से जीवन में शाकिर चोरी का धीमा गया था, सावधान इंडिया से प्रेरणा ली, किस तरह से इन्होंने खुलासा किया सर? इन्होंने बताया कि सावधान इंडिया में अच्छी चीज़ बताई जाती है, लेकिन उसमें अपराध करने का तरीका भी जो है इसमें बताया दिखाया जाता है, जो उससे वो प्रेरित हो गए और उन्होंने दिखाया कि कैसे ग्लव्स का मास्क का यूज़ करना चाहिए। मंदसौर प्रशासन द्वारा माफिया अभियान के तहत अवैध अतिक्रमण कर बड़ी कार्रवाई की गई। यहां कृषि उपज मंडी के सामने शासकीय नाले की भूमि पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है और 8 करोड़ रुपए की 8000 स्क्वायर फीट शासकीय भूमि को भूमाफिया से मुक्त कराया है। तहसीलदार की माने तो इस जगह पर 4 बक्की दुकानें बनी थी, साथ ही मारुति कार का शोरूम भी संचालित हो रहा था। बताया जा रहा है कि फखरुद्दीन सहित 4 लोगों ने इस जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। तहसीलदार मुकेश सोनी के अनुसार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और आज अतिक्रमण हटाया गया। 4 पक्की दुकानें और 8-10 अस्थायी दुकानें हटाई गई हैं, जिससे शासन के पक्ष में 8000 वर्ग फीट जमीन प्राप्त हुई है, जिसकी कीमत भी लगभग 8 करोड़ रुपये है और यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। जहाँ जहाँ अतिक्रमण पाया जाएगा उसको चिन्हांकित कर अतिक्रमण लगातार हटाया जाएगा। मंदसौर के सीतामाऊ में अयोध्या की तर्ज पर राधा बावड़ी परिसर में गोवर्धन पूजा की रात कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डक की उपस्थिति में 11000 दीपक जलाकर पूरे मंदिर को जगमगा गया। इस आयोजन में खास बात यह रही कि सभी दीपक प्रशासनिक अधिकारियों और मंदिर समिति द्वारा फुटपाथ पर बैठकर दीपक का व्यापार कर रहे लोगों से बिना मोलभाव किए उनके सारे दीपक खरीदे गए, ताकि उनके दीपक बचे नहीं और उनकी दीपावली भी शुभ हो। मंत्री हरदीप सिंह ने कहा कि प्रशासन की यह पहल अनुकरणीय है, इससे उन गरीब लोगों को लाभ मिला है जिनका व्यापार व्यवसाय पिछले कोरोना काल के दौरान बंद पड़ा था। इस तरह की पहल सभी जगह होना चाहिए, जिससे हमारी परंपरा को महत्व मिल सके। का निर्माण हो रहा है वहाँ पर 9 लाख दीपक जलाकर एक विश्व रिकॉर्ड वहाँ पर बना है। उसी की तर्ज पर हमारा जो एक अयोध्या मंदिर वहाँ पर है, तो सीतामऊ की एक पावन धरती पर हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर होने के बाद जो यहाँ पर श्रद्धा है, क्योंकि इसको छोटी काशी कहा जाता है, यहाँ के हमारे अनुविभागीय अधिकारी संदीप जी और पूरी टीम, यहाँ की राधा बावड़ी की जो एक भक्तजनों की टीम है जो अच्छे काम लगातार धार्मिक और सामाजिक काम करती है, उनके माध्यम से यहाँ पर 11000 दीपों का आज यहाँ पर जलाकर उत्सव जो दीपों का त्यौहार जो मनाया गया है। खबरों फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे खबर 24 न्यूज। धन्यवाद। कुशवा टेंपल स्टोन एंड बैटरी हाउस झालावाड़ रोड SDM कोर्ट के पास भवानी मंडी। हमारे यहाँ मंदिर निर्माण, मूर्तियाँ, छतरियाँ, मेहराब, पिल्लर, मंदिर सिंहासन, गुम्बज, तोरणधार, हवेलियाँ के झरोके धौलपुर पत्थर से बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर महेंद्र कुशवा, जिनका मोबाइल नंबर है 9501-95949-941-35-95816। नोट, स्कूटर, बाइक, कार, ट्रैक्टर, बस, इन्वर्टर, UPS सभी प्रकार की बैटरियां उपलब्ध है। हमारा पता है भवानी मंडी, कृष्णा कॉलोनी, झालावाड़ रोड, SDM कोर्ट के पास भवानी मंडी।
चक्की चल रही कबीरा बैठा रोए। दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के माता दाऊ एक लीरा बना जारा रे बना जारा रे रे। आ दूर दे चरा है मामला अब दाऊ साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जारा रे बन जारा रे। Yes!